गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आज हम अपने साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जो कि है लिविंग वर्ल्ड, यानी कि संसार। किसका संसार? लिविंग, सजीव वस्तुओं का संसार, लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या होती है? पहले तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थिंग्स, हम अपने आसपास हर काफी थिंग्स देखते हैं। अपने आसपास हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। हम अपने आसपास टेबल, चेयर, ट्री, फैन, बहुत सारी चीजें देखते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पीपल, रोड, एनिमल्स, इतनी सारी चीजें क्या होती है, हमारे आसपास होती हैं, है ना। अब इन चीजों को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इन सब चीजों को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है ना, टेबल, चेयर, रोड, पीपल, बिल्डिंग, व्हीकल्स, एनिमल्स, ट्रीज, सब होते हैं हमारे आसपास। अब उनमें से कुछ पिक्चर्स देखो, जैसे मैंने बना दिया आपके, ट्री बना दिया, एनिमल, रैट, फिश, लॉयर, टाइगर, बहुत सारी चीजें होती हैं। और खेलने के लिए आपके पास टेडी बियर होते हैं, काइट होती है, बैलून होते हैं, और पढ़ने के लिए क्या होती है आपके पास, बुक होती है। तो ये सब क्या है, हम चीजें हैं, थिंग्स हैं, जो हम अपने आसपास डेली रूटीन में देखते ही रहते हैं। देखते हैं ना अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमारे आसपास नजर आती है हमको। बैलून है, जैसे कि हम अपने आसपास देखते रहते हैं। तो अब इन थिंग्स को किस में बांटा गया है, टू कैटेगरीज में, सन, मून, रिवर, ये भी होते हैं जो हमारे इसी में ही आते हैं सब थिंग्स में, ये भी तो देखते हैं ना, माउंटेन्स, रिवर्स। अब इनको टू ग्रुप में बांटा गया है, फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, सेकेंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स कौन सी होती है, लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव वस्तु जिनको किसकी चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है इनको, एयर, वाटर और खाना, इन तीन चीजों की जरूरत होती है, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जिन वस्तुओं को याद रखना, खाने की, हवा की और पानी की, इन तीन की जरूरत होती है, वो हमारी लिविंग थिंग्स कहलाती है। अब इसमें कौन कौन आएगा, ह्यूमंस, क्या आएंगे हमारे, ह्यूमंस आते हैं और ट्रीज आते हैं, ह्यूमन समझ लो, ह्यूमंस आ गए, ट्रीज, और क्या आते हैं हमारे इसमें, एनिमल्स, क्या आते हैं, एनिमल्स। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें हो गई हमारे पास, ह्यूमंस यानी कि हम लोग, हमें खाने की जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है, हवा की भी जरूरत होती है, होती है ना, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसे ही ट्रीज, ट्रीज को भी इन सब की जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, खाने की भी जरूरत होती है ना। और एनिमल्स, एनिमल्स को भी ये तीनों चीजें चाहिए, इसके बिना ये जीवित नहीं रह सकते। अगर मान लो पानी नहीं मिला तो हमें कितनी प्यास लगती है, ऐसा लगता है बस हमारे तो प्राण जाने ही वाले हैं अगर हमें थोड़ी देर और पानी नहीं मिला, या खाना नहीं मिला, या हवा नहीं मिली, थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो हमें कितनी दिक्कत होती है। और हवा, हवा में ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, हवा से ही तो जब भी तो हमें सांस ले पाते हैं हम आसानी से, है ना। तो ये तीनों, ह्यूमंस, फिश और एनिमल्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, लिविंग थिंग्स, क्या कहलाते हैं हमारे, लिविंग थिंग्स। और इससे अलग नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है, जैसे पैन,
कॉपी, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये सब चीजें, मून, रिवर, रॉक्स, ये सब क्या होती है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है. अब नॉन लिविंग थिंग्स में भी टू कैटेगरीज आती हैं. एक होती है हमारी नेचुरल थिंग्स. क्या होती है? नेचुरल थिंग्स. और दूसरी हमारी क्या होती है? मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. अब नेचुरल थिंग्स क्या होती है? नेचुरल थिंग्स वो होती है जो हमें नेचर से मिलती है, यानी कि हमें प्रकृति से अपने आप मिलती है, जिन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता है. जैसे कि रिवर्स, रिवर है ये समझ लो, रिवर आपकी, माउंटेन, रिवर, माउंटेन, सन, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स जो हमें प्रकृति से मिलती हैं. और मैन मेड थिंग्स यानी कि जो मैन द्वारा बनाई गई, यानी कि हमारे द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वो सब इसमें आती है. जैसे टीवी, फ्रिज, कोई भी मशीन की आइटम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब अपने आप तो बनती नहीं है ना, हम बनाते हैं, इंसान बनाता है ना. पेन, बुक, ये सब क्या होती है? प्रकृति से हमें नहीं मिलती है, ये इंसान द्वारा बनाई जाती है, अपने आप नहीं बनती है. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम अपने डेली रूटीन में अपने आसपास देखते हैं. उन थिंग्स को हम टू कैटेगरीज में बांटते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वो होती है सजीव वस्तुएं जिनको पानी, हवा और खाने की जरूरत पड़ती है जिससे वो जिंदा रह सके, जिसमें कि तीन आते हैं, ह्यूमंस यानी कि हम लोग इंसान, ट्रीज पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स. एनिमल्स में सब आ जाएंगे आपके लायन, टाइगर, सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बर्ड, सब आ जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, तो इन तीन, ये हो गए इसमें तीन. और नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिनको इन सब की जरूरत नहीं होती है, खाना, पानी, हवा, किसी की जरूरत नहीं होती है. अब ब्लैक बोर्ड है, इसको जरूरत है, टीवी है, उसको जरूरत है, ये पेन है मेरे पास, इसको जरूरत है खाने की, पानी की, नहीं. तो ये सब क्या होती है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. अब इसमें भी हमारी टू कैटेगरीज होती है, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स में वो आती है जो हमें प्रकृति से, कुदरती, अपने आप हमें मिलती है. जैसे रिवर्स है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब क्या है? अपने आप ही हमें नेचर से मिलती है, हम बनाते नहीं है ना. और मैन मेड थिंग्स जो होती है वो जो हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, चाहे वो मशीनरी द्वारा बनी हो, चाहे उनके हाथ के द्वारा बनी हो. जैसे बैग है, बहुत सारी चीजें, ऐसे टेबल, चेयर, रबड़ बैंड, आप डेली यूज में कितनी चीजें यूज करते हैं, वो सब मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं. ओके, इतना आपको समझ में आ गया. अब इस चैप्टर के अंदर आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके क्या विशेष गुण हैं या उनमें क्या विशेष लक्षण होते हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे. ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा चैप्टर रीड आउट कर लेते हैं. ओके, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी हमारे आए हुए हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, जैसे कि वेराइटी. वेराइटी, वेराइटी मीन्स क्या होता है? अलग अलग, विभिन्न प्रकार की अलग अलग वेराइटियां. बिल्डिंग्स, आपको पता ही है, इमारतें. ब्रिज यानी कि पुल. पुल भी क्या होते हैं? एक चीज या थिंग्स ही है जो मैनमेड थिंग कहलाती है, मैनमेड के द्वारा बनाई जाती है. नेचर यानी कि प्रकृति, और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक. ठीक है, ये सब हमारे कुछ जो है हमारे न्यू वर्ड्स है. जैसे कि ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस लेना. रिप्रोड्यूस यानी कि दोबारे से उत्पत्ति करना, उत्पादन करना, रिप्रोड्यूस कहलाता है. और हमारा आता है एयर, वाटर, सनलाइट, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं. एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी, सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी. तो ये थोड़े से न्यू वर्ड्स है जो आपके अभी बीच में चैप्टर के आएंगे और हम पढ़ेंगे. और एक और है क्लाउड. क्लाउड मीन्स क्या होता है? बादल. माउंटेन मीन्स क्या होता है? पर्वत, आपको पता ही है.
रिवर मीन्स नदी, पता है ना आप सबको। तो ये सब हमारे छोटे से न्यू वर्ड्स हैं और ये सब हैं। अब हम थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जैसे स्टार्टिंग से जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। वी सी ए वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस, देयर आर पीपल, रोड्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, दिस एक्सेट्रा। आउट ऑफ दीज सम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब इस चैप्टर में वो कह रहे हैं कि हम अपने आसपास चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी ऑफ थिंग्स देखते हैं, जिसमें पीपल, रोड, एनिमल्स, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब आते हैं। इनमें से कुछ लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अब हम इनके बारे में और ज्यादा जानते हैं। थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये हमारे क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। नेचर गिव्स दिस थिंग्स टू अस, ये हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। सो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसलिए इनको नेचुरल थिंग्स भी कहा जाता है। थिंग्स सच एज सन, मून, स्टार, सॉइल, रॉक्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, और ये सब हमारी क्या कहलाती है? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती है। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट नेचुरल, सभी नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो नेचुरल नहीं होती, यानी कि हमें प्रकृति से मिली हुई नहीं होती है। व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स आर मेड बाय ह्यूमंस, ये सब हमारे मैन द्वारा बनाई जाती हैं, इंसान द्वारा बनाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, इनको हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। सन, मून, स्टार, वाटर, सॉइल, रॉक्स, क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो ये मैंने सब आपको समझाया है, ओके। अब इसके आगे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इतना आपको अच्छे से समझना है, आई होप आपको समझ में आई गए होंगे इनके कैटेगरीज, ओके। अब इसके साथ कुछ वर्क भेजूंगी, वो भी आपको वर्कशीट में करना है, ओके। थैंक यू।